व्हाट्सएप पे आपको एक सर्कल वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे ही आप उस पर टैप करते हो तो वहां पे शो करता है आस्क मेटा एआई एनीथिंग। अब ये क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और उसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट सेक्शन देखने को मिले जिसमें काफी लोग ये कह रहे थे कि हमें ये ऑप्शन हटाना है हमारे व्हाट्सएप से, आप ट्रिक बता दो। तो यार इस वीडियो में मैं आपको 100% सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि आप ये जो सर्कल है या फिर आस्क मेटा एआई एनीथिंग है या फिर जो मेटा एआई है वो आप अपने व्हाट्सएप से कैसे हटा सकते हैं, इसीलिए को ध्यान से देखते रहना। और साथ ही साथ एक चीज जरूर करना कि कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो, नाइस वीडियो, अच्छी लगी वीडियो, या फिर ये बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी। ऑल्सो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलो आज अपने व्हाट्सएप से मेटा एआई को हटाना सीख लो। तो यहां से मैं आपके सामने व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं एंड आप यहां पे देखोगे ये सर्कल वाला ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, इस पर टैप करेंगे तो यहां पे आस्क मेटा एआई एनीथिंग आ जाता है। अगर आपको इसकी ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस पर हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इसको हटाने की, तो उसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी जो आप ध्यान से देखते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में एक सेटिंग करनी होगी, तो हम लोग सर्च बार में आके यहां पे सर्च करेंगे प्ले स्टोर, ताकि हमारा प्ले स्टोर मिल जाए। और ये रहा हमारा प्ले स्टोर, तो हम इसे ओपन करेंगे। अब हमें यहां पे क्लिक करना होगा प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। अब हमें क्लिक करना होगा सेटिंग वाले ऑप्शन पे, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें यहां पे क्लिक करना होगा नेटवर्क एंड प्रेफरेंस का ऑप्शन जो सेकंड नंबर पे दिख रहा है, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करनी होगी, उसके लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ऑटो अपडेट्स ऐप्स, इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर देना है डू नॉट ऑटो अपडेट्स, ये वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है और ओके पे क्लिक करना है। देन हमें सेकंड नंबर के ऑप्शन पे भी क्लिक करके डू नॉट ऑटो प्ले वीडियो पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। तो हमारी यहाँ पे प्ले स्टोर की सेटिंग हो गई है। अब हमें व्हाट्सएप में अगेन आ जाना है, तो हम यहाँ से व्हाट्सएप में आ जाते हैं, व्हाट्सएप को ओपन करेंगे, यहाँ से बैक करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा थ्री डॉट जो दिख रहा है ना, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे चैट का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पर हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें इस तरीके से यहाँ पे स्क्रॉल करना और एक ऑप्शन दिखेगा चैट बैकअप, इस पर क्लिक कर लेना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद हम अपनी चैट का बैकअप लेंगे, ताकि जो हमारा मेटा एआई वाला ऑप्शन है वो हट जाए और हमारी चैट भी ना जाए, जो हमारी इंपॉर्टेंट चैट्स होती हैं, फोटोज वीडियोज होती हैं, वो एज इट इज हमारे फोन में ही रहे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे बैकअप लेंगे। तो अगर आपकी बैकअप की सेटिंग नहीं होगी तो मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरीके से सेटिंग करना है। यहाँ पे गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपके फोन में जितने भी जीमेल या गूगल अकाउंट होंगे उनमें से किसी भी एक गूगल अकाउंट को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये इस तरीके से ऑफ होगा, तो इसको ऑन कर लेना है और सेकंड नंबर के ऑप्शन को भी ऑन कर लेना है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑप्शन होगा, यहाँ पे जाके आपको डेली सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस सेटिंग का, या फिर ध्यान से मेरे साथ साथ ये सेटिंग भी कर सकते हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा बैकअप वाला, तो यहाँ पे मैं आपके सामने बैकअप पे क्लिक करके हमारी चैट का बैकअप ले लेता हूँ। तो ये बोलेगा प्लीज वेट अ मोमेंट, और यहाँ पे जो हमारी चैट है उसका बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चैट का बैकअप है हमारा गूगल ड्राइव में सेव हो जाता है, ताकि हमें किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे चैट का बैकअप बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो मेरी चैट का साइज है लगभग 7-7.5 MB के आसपास का है, क्योंकि मेरा बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, इस वजह से यहाँ पे ज्यादा लंबी चैट एंड वीडियोस नहीं है। तो बैकअप हो गया है अब हमारा, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से हम बैक करेंगे पूरा की पूरा व्हाट्सएप को, बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद हमें क्लिक करना होगा ऐप इन्फो पे, इस तरीके से क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐप इन्फो देखने को मिल जाएगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो अब हमें व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देना होगा, तो हम लोग अनइंस्टॉल यहाँ से कर लेते हैं, अनइंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन नहीं आता तो आप अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे, ऐप मैनेजमेंट में जाके, और व्हाट्सएप को यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे इस तरीके से। तो हम व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देते हैं। अब हमने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया है एंड बैकअप इसीलिए लिया था ताकि हमारी जो चैट्स एंड वीडियोज़ हैं वो हमारी एज इट इज़ वापस आ जाएं। कैसे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब हमें ना व्हाट्सएप का ओल्ड वर्जन डाउनलोड करना है, ताकि हमारे व्हाट्सएप से ये जो मेटा एआई है या आस्क मेटा एआई एनीथिंग है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ओल्ड वर्जन डाउनलोड करना होगा। अब आपको ओल्ड वर्जन कहाँ मिलेगा, तो वो मेरे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कहाँ पे कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो मेरा ये टेलीग्राम चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इस तरीके का एपीके फाइल देखने को मिल जाएगी। अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, और अगर आपको ऐप नहीं मिलता तो यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करना और व्हाट्सएप सर्च कर लेना यहाँ पे, तो ये एपीके फाइल आ जाएगी, ठीक है। तो अभी तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। मैंने डॉक्यूमेंट फाइल दे रखी है आपको, ज्यादा बड़ा एपीके नहीं है, बहुत आसानी से यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया इसलिए व्हाट्सएप ओल्ड वर्जन एपीके टू रिमूव मेटा एआई फ्रॉम व्हाट्सएप, ताकि सबको समझ में आ जाए कि ये मैंने एपीके फाइल क्यों भेजी हुई है। अब जस्ट हमें इस एपीके फाइल पे क्लिक करना है, सेटिंग का ऑप्शन आएगा इस तरीके से, इस पे क्लिक कर देना है, अलाउ पे क्लिक कर देना, ताकि हम इस
इस ऐप को इंस्टॉल कर सकें अपने फ़ोन में। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये वाले व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऐप अनइंस्टॉल हो गया है, अब जस्ट हमें इसे ओपन करना होगा। ओपन पे क्लिक करेंगे। अब ओपन पे क्लिक करने के बाद जो हमारा व्हाट्सएप हमने अनइंस्टॉल किया था उसको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो इंग्लिश वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम इंग्लिश ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर हमें क्लिक करना है। और अब हमें हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा जिसे हमने अभी रिसेंटली अनइंस्टॉल किया था। तो यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर एंटर कर लेता हूँ। देन उसके बाद हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब हमारे फोन नंबर पे OTP आएगा एंड हमें वेरीफाई करके यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस तरीके से कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अलाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें बैकअप का ऑप्शन आएगा। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन आपको हटाना नहीं है वरना आपकी चैट्स एंड फोटोज एंड वीडियोस रिकवर नहीं होगी। तो आपको रिस्टोर वाले ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम लोग रिस्टोर करते हैं तो हमारा 7 MB का डेटा बहुत आसानी से रिकवर हो जाएगा, यानी जो हमारे फोटोज एंड वीडियोज हैं वो एज इट इज वापस आ जाएंगे। मैं आपको लाइव प्रूफ भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो पर बने रहना, छोड़ना मत वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो डेटा है वो फटाक से रिस्टोरिंग हो गया। आप देख सकते हो 99% बता रहा है। तो अगर आपका डेटा थोड़ा लंबा होगा, जैसे 100-200 MB का होगा, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए आपको पेशेंस बनाए रखना है, बैकवैक नहीं करना है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना इस तरीके से। और अब हमारा व्हाट्सएप वो इंस्टॉलिंग हो रहा है, इनिशिएटिंग बता रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग बता रहा है। अब हमारा व्हाट्सएप आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा व्हाट्सएप ओपन हो गया, चैट एज इट इज वापस आ गई है। और यहाँ पे आप देखोगे जो सर्कल वाला ऑप्शन आ रहा था वो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है हमें, यानी कि जो आस्क मेटा AI था वो आपके सामने यहाँ पे रिमूव हो गया, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप में आस्क मेटा AI जो एनीथिंग आ रहा था वो आपके सामने हट गया है। अगर आपको ये वीडियो 1% भी यूजफुल लगी हो तो कॉमेंट सेक्शन में थैंक यू या थैंक्स जरूर से लिख देना, क्योंकि आपके कॉमेंट से ही नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।